नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नए चैप्टर को, नए टाइप को पढ़ेंगे और जिसका नाम है रीजनिंग का। ये चैप्टर है जिसका नाम कैलेंडर। आज हम कैलेंडर को पढ़ेंगे। तो कैलेंडर की बहुत सारी टाइप है। आप यूट्यूब पे देखोगे वीडियो या किसी भी आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा तो अलग अलग टाइप है, पर हम जिस टाइप से पढ़ाएंगे वो आपको देख के, जब हमारी 10-15 मिनट की आप वीडियो देख लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा है और सभी क्वेश्चन इससे निकल भी रहे हैं। आपको भी ऐसी ही टाइप पढ़नी है जिसकी एक टाइप पढ़ के सारे क्वेश्चन निकल जाए। तो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ कोड हैं, हमने इसका कुछ कोड जो बना रखे हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, तो पहले तो हम देखते हैं जो ईयर के कोड है उनको। तो ईयर के जैसे 12 महीने होते हैं तो उनके हिसाब से कोड बनाए हुए हैं, तो हम उनको लिखते हैं। पहले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, अब इन 12 महीने हमारे, हमने 12 के 12 लिख लिए। इन 12 महीने के कोड है कुछ, वो मैं लिख लेता हूँ, वो आप समझिएगा थोड़ा सा। हम उनको आर जब यूज करेंगे तो जब आपको दिख जाएगा ऐसे, 1 4 4 0, 2 5 0, 3 6 1 4 6, ये कुछ कोड है। ये कोड है जब नॉर्मल ईयर हो। जब अगर आपको पता है कि दो तरीके के साल होते हैं, अगर हम देखते हैं तो एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर नॉर्मल ईयर का आपको फर्क सबको पता ही होगा। जो नॉर्मल ईयर है उसके अंदर होते हैं 365 दिन, और जो लीप ईयर होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 366 दिन। और ये लीप ईयर कितने साल बाद आता है, हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, ये हिसाब किताब आपने समझना है, इतना आपको शायद पता भी होगा कि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो आप यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए जब दुनिया स्टार्ट हुई होगी, जब इन्होंने देश की काउंटिंग स्टार्ट की होगी, तो पहला लीप ईयर तो 0 से चल के जब 4 साल हुएंगे तो पहले 4 साल 42 साल में आया होगा। दूसरा जो लीप ईयर आया होगा वो 8 पे आया होगा। तीसरा लीप ईयर जो 12 साल आया होगा, क्योंकि हर एक के अंदर 4 4 का डिफरेंस है। अब इस 4 4 को डिफरेंस से हम ये समझ लेंगे कि जो संख्या 4 से भाग चली जाएगी, है ना, जो 4 से भाग चली गई वो साल लीप ईयर होगा। जैसे कि हम रखेंगे भाई 2000 को, ठीक है ना। अब 2000 को 4 से भाग करते हैं तो ये चला जाएगा 500, 500 से, यानी कि 2000 का जो साल था वो लीप ईयर था। अब 2001 है, इसको 4 से करेंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि लीप ईयर नहीं था। तो 2000 इस तरीके से करके मतलब हमने अंदाजा पड़ जाएगा। तो ये आपका हिसाब किताब आपने देख रहा है, ठीक है ना। 2002 में भी बचेगा ऐसे करके, 2003 में बचेगा, तो यूं करके आपको अंदाजा लग जाएगा। तो नॉर्मल ईयर हो तब तो है ये कोड, जब हो लीप ईयर। तो लीप ईयर में होने के बाद सिर्फ और सिर्फ दो ही इनके कोड चेंज होंगे। जब अगर लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड तो हो जाएगा, क्या होगा, इसका कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। अगर लीप ईयर हो तो बाकी सब में तो सेम कोड ही हमने यूज करने हैं, पर जनवरी का 0 करना है लीप ईयर हो तो, और फरवरी का 3 करना है। चलो ये भी बात हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ, हमने जो दिनों के हिसाब से हमने कोड बना रखे, हफ्ते के 7 दिन होते हैं उनके हिसाब से, अब उन कोड को देखते हैं। तो देखिए, डेज के हिसाब से हम कोड देखते हैं तो 7 दिन होते हैं, तो हम अपनी जो स्टार्टिंग करेंगे वो सैटरडे नाइट से करेंगे ना, सैटरडे, तो सैटरडे से करेंगे, शनिवार से करेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे। ठीक है, तो जो वीक के कोड हमने बना रखे हैं वो हम लिखते हैं। तो देखिए, हमारी स्टार्टिंग सैटरडे से करते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 0 1 2 3 4 5, पांच को मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, 5 और 6। तो इस तरीके से करके हमने ये 7 दिन हो गए, और 7 दिन हो गए 0 से स्टार्ट करके 6 तक करके 7 दिनों के कोड हो गए। ठीक है, इन कोड के अलावा हमने कुछ सालों के भी कोड बना रखे हैं। उन कोडों का क्या हिसाब किताब है देखिए। तो दो हम स्टार्ट करते हैं 2000 से, तो 2000 के लिए है -1, ठीक है ना।
यानी कि 2000 का मतलब हो गया 2000 से लेके 2099 तक, 2999 तक का, ठीक है ना, उसके लिए -1 कोड है। अब 1900 का जो कोड है इसके अंदर आपका 0 है, उसके बाद 1800, 1800 के लिए आपने यूज करना है +2, और उसके बाद 1700, 1700 के लिए यूज करना है +4, ठीक है। तो ये कर चार कोड है आपको, ये चार कोड यूज करने हैं, ठीक है। 2000 के लिए -1, 1900 के लिए 0, 1800 के लिए +2 और 1700 के लिए +4। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा कि किस तरीके से कोड है और क्या कुछ हमने किस कैसे यूज इनको करना है, ठीक है। तो इन कोडों को आपने देख लिया, मैं उनको दो को ये हो गया, चलो ठीक है यहीं से सोल्व करते हैं इनको, थोड़ा सा मैं इधर साइड में रख लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है ना। इनको यहाँ लिख लेते हैं कोड, ये चलो दिख रहा है ना, 2000 के लिए -1, 1900 के लिए 0, 1800 के लिए +2 और 1700 के लिए जब अगर कोई सुनाता है तो +4, ठीक है। अब ये सिर्फ यही कोड है जो आप लोगों को याद करने हैं, इनके बेसिस पे अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे इन कोडों को हमने कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना, और किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये साल के कोड हो गए, ये दिनों के कोड हो गए, और ये कुछ 100 साल के हिसाब से हमने जो कोड रखे हैं वो कोड हो गए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन आज का, तो अब आज हमारी चल रही है 2023, ठीक है ना। तो 2023 के हिसाब से हम लेते हैं, मान लेते हैं, हम देखते हैं कि भाई 15 अगस्त, 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, हमने ये पूछ लिया, आपके क्वेश्चन में आता है। तो इसका देखिए बिल्कुल आसानी से समझिए, सबसे पहले हमने ले लिया डेट, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम डेट, तो डेट दे रखिए 15। अब इस 15 को 7 से भाग करना है, और जो शेष फल आएगा ना रिमाइंडर, यानी कि शेष बचेगा, अब ये 7 से 2 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, और शेष बचेगा 1, उसको यहाँ पे लिख लेना है, सिर्फ इतना करना है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, उसके बाद डेट हमारी हो गई, उसके बाद हमने लेना है मंथ को, ठीक है ना। ये अगस्त, अगस्त अगस्त के लिए देखिए अब साल के अंदर जाइए आप, कौन सा कोड है अगस्त के लिए, कोड है 3। अब इन सब जनवरी और फरवरी को छोड़ के हमने अगर कोई सारा महीना पूछता है तो हमने ये देखना ही नहीं है लीप ईयर है या नहीं है, सिर्फ जनवरी और फरवरी पूछे तब हमने ये देखना है कि ये साल लीप ईयर में आता है या नहीं आता। तो अगस्त का सबके लिए क्या कोड दे रखा है 3, तो हमने यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अगस्त के लिए कोड लिख देना है 3। अब हमारा अगस्त भी हो गया, उसके बाद हमने देखना है ये 2023, और 2023 में लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, जो भी सिस्टम होगा वो 2023 की हर साल की लास्ट की 2 डिजिट से होगा। अब 2023 की जो लास्ट की 2 डिजिट है ये होगी 23, ठीक है। अब इस 23 को हमने लेना है 7 से भाग, अब 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 3 से जा रहा है और शेष कितने बच रहे हैं 2, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे जितना शेष पर बचेगा उतना 2, जो जो शेष है इनके आगे मैं आर लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि ये हमने रिमाइंडर करे हैं, यानी कि शेष फल है ये सारे के सारे, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर बच गया, उसके बाद हमने 23 को ही फिर से लेना है। अब 23 को फिर से लेके हम करेंगे 4 से डिवाइड, अब इसका लॉजिक बताता हूँ मैं, 4 से क्यों डिवाइड करना है। अब ये 4 से पूरा पूरा 5 बार जा रहा है, यानी कि 2023 तक 5 बार लीप ईयर्स आ चुके हैं, समझ रहे हो ना, 2024 5 20, यानी कि 5 बार लीप ईयर्स आ चुके हैं, लीप वर्ष 5 आ चुके हैं 2023 तक। तो हमें भाग देना है और रिमाइंडर नहीं लिखना, जो संख्या मैक्सिमम भाग जा रही है, अब मैक्सिमम 5 तक भाग जा रही है, 4 5 20, तो हमने जो 5 आए ना वो लिखना है, ठीक है ना कि रिमाइंडर, समझ गए। इसके अंदर हमने शेषफल नहीं लिखना, जितने से भाग जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा कोई दिक्कत नहीं, पर मैक्सिमम जितने तक भाग जा रहा है वो लिखना है 5। अब आपका जो ये लेखा जोख था वो आ गया। अब देखते हैं सालों की, अब 2023 है, ये 2000 वाली सीरीज में है, तो 2000 के हिसाब से, बड़ी सीरीज के हिसाब से इसका कौन सा हम करेंगे -1, ठीक है। अब इन सबको हमने जोड़ देना है, अब देखती है 1 और 3 4 और 2 6 और 5 11, अब 1 माइनस आता है 2000 वाली सीरीज में, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो आ गए 10। अब 10 को जो भी इनका टोटल आएगा प्लस या माइनस करके उसको हमने 7 से भाग देना है, और जो शेष फल लिखना है फिर से रिमाइंडर, रिमाइंडर का बहुत सारा खेल है। अब 7 से भाग देंगे तो एक बार भी भाग जाएगा, 7 एकम 7, शेष फल आपके बच गए 3, ये 3 आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है ना, 3 रिमाइंडर बच गया।
अब आपका यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब तीन रिमाइंडर है तो आप दिन के अंदर जाइए कि तीन किसका कोड है। अब यहाँ पे तीन है मंगलवार का कोड, ट्यूजडे का, यानी कि 15 अगस्त 2023 को आपका ट्यूजडे था, समझ गए। इस तरीके से करके आपने क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए हम धीरे धीरे करके इन तीनों सालों के अपने क्वेश्चन करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। तो आपको धीरे धीरे जैसे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। कोड आपको रट लेने हैं। चलो मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को और भी समझा देता हूँ। वो छोटी चीज कैसी है, देखो समस्या यहाँ पे नहीं आएगी आपको दिनों की कोड याद रखने हैं तो, क्योंकि जीरो से शनिवार करना है, सैटरडे नाइट अपने जीरो से स्टार्ट और आगे चल के बढ़ रहे हैं। समस्या यहाँ पे आएगी आपको ये याद कैसे करने हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आपने इनको 3-3 महीनों के हिस्से में बांट लेना है, ठीक है, 3-3 महीनों के हिस्से में बांट लेना है। अब ये संख्या देखिए, अगर इस संख्या को 144 को हम यू लिखते हैं, 1, 4, 4, 1, 4 और 4, तो ये देखिए किसी का स्केल बन रहा है, किसका है, 12 का स्केल। ऐसे हम इसको लिखते हैं तो 0 to 5, ये किसका है, 5 का स्केल हो गया, ठीक है। ऐसे ये 0 to 36, 0 to 36, ये 6 का स्केल हो गया, और नीचे वाला है 146 है, यानी कि 144 से जो ज्यादा, यानी कि 146 का, इस 146 को हम कैसे याद रखेंगे कि 12 का स्केल प्लस में 2, इस तरीके से करके आपको याद हो जाएंगे। ये तीनों पहले महीने के 12 का स्केल 144 हो गए, दूसरे जो 3 महीने अप्रैल मई जून, ये 25, 0.25, यानी कि 5 का स्केल हो गए, नेक्स्ट 3 महीने 6 का स्केल हो गए, और लास्ट के जो 3 महीने हैं वो 12 का स्केल और साथ में बस सिर्फ 2 जोड़ना है। इस तरीके से हमने करके इनको याद रख लेना है। चलिए ये तो हो गई याद रखने की बात और ट्रिक और कोडिंग। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन के बाद हम करते हैं 1900 का, ठीक है ना। अब हम 2000 का कर लिया, हम 2023 का हमने कर लिया, अब हम देखते हैं 18 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको देखते हैं। तो मैंने आपको समझाया है, सबसे पहले हमने लेनी है डेट, डेट लेनी है, तो डेट को लेंगे तो डेट क्या दे रखी है, 18। तो 18 को क्या करना है, हमने 7 से भाग कर देना है और जो रिमाइंडर आए वो लिख देना है। तो 7 × 2 = 14, मैक्सिमम 2 पे जा रहा है और शेष कितने बच रहे हैं, 4। तो ये हो गया 4, 4 क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, डेट होने के बाद हमने लेना है महीना, मंथ, मंथ कौन सा है, अगस्त है, अगस्त का आ गया। अब अगस्त के लिए देखिए कौन सा कोड हमने लिखा है, 3 कोड है अगस्त के लिए, तो अगस्त के लिए हमने कोड लिख दिया सीधा सीधा 3। उसके बाद हमारा महीने का भी सिस्टम निपट गया। अब हमने जो साल है उसके लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। अब 2 डिजिट में देखिए आप आ रहा है 47, अब 47 को हमने लिख लेना है, अब 47 को हमने 47 को 7 से भाग करना है और जो रिमाइंडर आए वो लिख देना है। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 से 6 पे मैक्सिमम जा रहा है और रिमाइंडर बच रहे हैं 5, समझ रहे ना, 7 से 46, 5 शेष बच रहे हैं, तो हमने वो 5 शेष यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसी 47 के साथ में हमने 4 से भाग देना है। ये 4 से भाग हम इसलिए देते हैं ताकि लीप वर्ष 47 तक कितने आ चुके हैं, तो 4, 11 चौक 44, रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं भाई, 11 चौक 44, मैक्सिमम 11 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर से हमने यहाँ पे मतलब नहीं है, अब मैक्सिमम कितने बार जा रहा है, 11 चौक 11 तक जा रहा है, 11 चौक 44, उसके आगे जा ही नहीं रहा, तो यानी कि 11 बार 1947 तक 1900 के साल में 11 बार लीप ईयर आ चुके हैं। 1900 के साल का हमने हिसाब किताब देखना, सिर्फ 1947 तक 1900 के साल में 11 बार लीप वर्ष आ चुके हैं। तो ये 11 लिखने, हमने यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना, जितने लीप वर्ष आ चुके हैं वो लिख दिए, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ लीप ईयर काउंट, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखना है साल कौन से है, साल है 1947, यानी कि 1900 की सीरीज है। अब 1900 वाले में जाएंगे तो 1900 के लिए कोड क्या है, 0, तो 1900 का कोड क्या है, 0, तो उसको 0 लिख लेते हैं। अब इन सारों का टोटल कर लेंगे, तो टोटल करते हैं ऊपर से नीचे तक, 4, 3, 7, 5, 12 और 11, 23, अब ये आ गया हमारा इन सब का टोटल 23। अब इस 23 को हम देते हैं 7 से भाग, 7 दिनों के लिए, क्योंकि हमें जानना है दिन कौन सा है। तो जब 7 से 23 को भाग देंगे तो 7 से 21, यानी कि जो शेष, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। अब जो आपका रिमाइंडर है उसको ले जाइए आप दिनों के कोड में,
तो दो किसके लिए कोड है, सोमवार के लिए, ठीक है ना। तो आपका आ गया 18 अगस्त 1947 को आपका कौन सा था, मंडे था, ठीक है। इस तरीके से करके आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लीप ईयर के लिए, ताकि हमें लीप ईयर, और लीप ईयर में भी हम लेते हैं जनवरी का, ठीक है। तो लीप ईयर में जनवरी का देखने के लिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका जो लीप ईयर से रिलेटेड डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए लिखते हैं हम जनवरी का, कोई लिखते हैं हम, लिखते हैं 22 जनवरी, और हम लिख लेते हैं 2000 लिख लेते हैं, 22 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। तो वैसे तो हमें पता है लीप ईयर है, तो लीप ईयर देखने के लिए हमने चेक करने के लिए क्या करना है, जो लास्ट का 2000 है इसको, लास्ट का जो सन है उसको 4 से भाग देना है, तो ये 4 से भाग भी जा रहा है, यानी कि लीप ईयर है, सीधी सी बात है। तो और ऊपर से क्या दे रखा है, महीना जनवरी दे रखा है, तो जनवरी के लिए हमने लीप ईयर का अलग कोड दे रखे हैं जनवरी और फरवरी के लिए। तो हमने जनवरी फरवरी लीप ईयर है, तो ये एक 4 कोड यूज करने हैं, 0 और 3 करने हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को पहले। तो पहले तो हम देखते हैं क्या लेना है, हमने डेट लेनी है। अब डेट क्या है, 22 जनवरी। अब 22 को 7 से भाग देना है, अब जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें लिख देना है, 7 21 दिन पे मैक्सिमम जा रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, हमने एक का एक लिख दिया, ये हमारा डेट का सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद हम लेते हैं मंथ, अब जनवरी लीप ईयर है तो जनवरी के लिए क्या कोड लेंगे, जनवरी के लिए एक ना लेके हम लेंगे 0 कोड, जनवरी लीप ईयर में 0 कोड लिया जाएगा जनवरी के लिए, ठीक है। तो ये है महीना कौन सा है, जनवरी, जनवरी लीप ईयर है, जनवरी लीप ईयर है तो उसके लिए कोड रखेंगे हम 0। तो हमने ये 0 कोड रख दिया, महीने का भी निमट गया सारा भाई। उसके बाद हम लेते हैं इसकी लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है। तो लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं हम 00, तो इसको हम देते हैं किसे, 7 से भाग, तो 7 से इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 00 से भाग देंगे तो 0 ही हो गया, तो इसका भी 0 हो गया भाई। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने 2000 पूरे 2000 तक लास्ट की 2 डिजिट लेके कि कितने वो आ चुके हैं, हमारे लीप ईयर आ चुके हैं, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग जाएंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि भाई ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीली हमने 0 लिख दिया, ठीक है। ये रिमाइंडर हमारा जो बचता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके अब हमने, अब देखते हैं 2000 के लिए क्या कोड है, ये और देखना है 2000 है, 2000 के लिए क्या कोड है, 2000 वाली सीरीज के लिए, तो 2000 वाली सीरीज के लिए हमारा जो कोड है वो क्या दे रखा हमने, -1, ठीक है। अब इन सब का हमने कर लेना है टोटल, तो करिए 1 और 0, ये तो 0 ही हो गया। अब इस 0 का हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो यानी कि अब 0 का, इस 0 का जो शेषफल है इसको हम लेंगे दिनों के कोड में, यानी कि 0 कोड है शनिवार के लिए, यानी कि 22 जनवरी 2000 को आपका सैटरडे था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सोल्व क्वेश्चन, कुछ समस्या आती है तो आप क्वेश्चन हमसे कमेंट में पूछ लीजिए। आज की वीडियो में कैलेंडर में इतना ही, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।